भाई साहब कॉपी पेस्ट करने में आदि पुरुष वालों को 600 करोड़ लग गए। और इतना ही नहीं, कुछ सीन तो इन्होंने शायद शूट भी नहीं किए, सीधा एडिट करके मूवी के अंदर सेट कर दिए। इन्होंने कोई नहीं छोड़ा, मार्वल डीसी गेम ऑफ थ्रोन सबसे कॉपी किया, बिल्कुल छाप दिया। जिसमें से अगर मैं तुम्हें बताऊं तो एक सीन जब आता है जब मूवी के अंदर फाइनल बैटल चल रहा होता है जिसमें सारे कैरेक्टर्स असेंबल हो रहे होते हैं, वो तो भाई एकदम कॉपी किया हुआ है एक एपिक सीन से जो कि है मार्वल की द एवेंजर्स। नेक्स्ट सीन वो है जहां पे वो रावण मूवी की स्टार्टिंग में ही तपस्या करके ब्रह्मा जी को बुलाता है। उस सीन में रावण का जो लुक है उसे मैं कॉपी तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ पूरा का पूरा फुल्ली इंस्पायर्ड है गेम ऑफ थ्रोन्स के किट हैरिंगटन से, जिस रावण के बारे में लोग सदियों से सुनते हुए आ रहे हैं, उस रावण को दशहरा पे फूंकते हुए आ रहे हैं। आदि पुरुष वालों को फिर भी रावण का लुक इंडिया के अंदर से समझ ही नहीं आया, उन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स तक जाना पड़ा, मतलब यार हद है। नेक्स्ट सीन वो है जब श्री राम लंका जाने के लिए समुद्र देव से रास्ता मांग रहे होते हैं पर वो रास्ता नहीं देते, पर जब श्री राम अपना धनुष बाहर निकाल लेते हैं तो समुद्र देव प्रकट होते हैं। तो जो समुद्र देव का अपीयरेंस होने वाला जो सीन है ना वो पूरा का पूरा कॉपी है नार्निया 2 से। इससे पहले तुम्हें याद है मूवी की शुरुआत में एक सीन आता है जहां पर श्री राम पानी के अंदर ध्यान साधना कर रहे होते हैं, तो जब आदि पुरुष का टीजर आया था तो उसी टाइम से लोग इस सीन को कॉपी बताने लगे थे क्रिस हेम्सवर्थ की मूवी एक्सट्रैक्शन से। वैसे यहां देखने में तो काफी ज्यादा सिमिलर लग रहा है इस सीन से, बट मुझे पर्सनली ये वाला सीन सैरा नरसिम्हा रेड्डी मूवी के इस सीन से कॉपी लग रहा है। वैसे कुछ लोगों का कहना ये भी था कि ये सीन एक्वामैन से कॉपी किया है। उसी के जस्ट बाद उस सीन में हवा में उड़ने वाले कुछ राक्षस आते हैं जिन्हें लोग 2004 में आई हैरी पॉटर के इस सीन से कॉपी बता रहे हैं। मगर जब तुम इस सीन में गौर दोगे तो ये सीन 2022 में आई मार्वल की मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से कॉपी लग रहा है, जिसमें जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मरा हुआ वेरिएंट जिंदा करता है तो उसमें कुछ ऐसे ही उड़ने वाले घोस्ट आ जाते हैं जो कि बिल्कुल सेम होते हैं आदि पुरुष के उन राक्षसों से। नेक्स्ट सीन जब है जब लक्ष्मण जी अपना तीर मारते हैं इंद्रजीत द फ्लैश में, तो वो वाला सीन बिल्कुल उठाया हुआ है मार्वल की एज ऑफ अल्ट्रॉन से जहां हॉकाय वर्सेस क्विक सिल्वर हो रहा होता है। इसके अलावा वो मूवी का सबसे कॉन्ट्रोवर्सियल डायलॉग वो भी कॉपीड है एक इस्कॉन के गुरु से जिनका नाम है अमोघ लीला प्रभु। लेकिन अच्छा होता कॉपी किया होता, इन्होंने तो कॉपी किया मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने सिर्फ बोला था कपड़ा किसका रावण का, घी किसका रावण का, आग किसकी रावण की, जली किसकी रावण की। देखो सुनो, अच्छा घी किसका रावण का, कपड़ा किसका रावण का, आग किसकी रावण की, जली किसकी रावण की। बस ये था डायलॉग। लेकिन उन छपरी राइटरों को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने सोचा हनुमान जी को गली का गुंडा बना दो और बाप घुसा दो, मतलब यार कुछ तो शर्म कर लेते। नेक्स्ट है वो चमकादड़ जो कि ना तो पुष्पक विमान है ना ही ड्रैगन है, पता नहीं क्या ही बना दिया बेसहूर सा, पर फिर भी कॉपी है गेम ऑफ थ्रोन्स के ड्रैगन से। अबे कॉपी करना था तो अच्छे स्किल पे करते ना, ये क्या माल फूक की कॉपी किया है। अगला वो देखा ही होगा जब रावण एंट्री मारता है अपने वेपन समन करता है, तो वो भी कॉपी है मार्वल के कैरेक्टर थॉर से। कभी लगता है एवेंजर्स एंड गेम वाला थॉर है और कभी लगता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर है जिसने वकांडा में एंट्री मारी थी। और हाँ जब रावण एंट्री मार के अपने वेपन से अटैक कर रहा होता है तो वो भी कॉपी है थॉर मूवी से, जहाँ थॉर के पापा ओडिन की स्टोरी दिखाई जा रही होती है। तो जब ऐसे ही सेम अटैक ओडिन करता है अपने गंगनीर वेपन से जैन फ्रॉस्ट के ऊपर, या फिर मैं कहूँ एंटमैन एंड द वेस्ट क्वांटमेनिया मूवी से जहाँ पर कैंग सेम ऐसे ही अटैक करता है। इसके बाद अगला कॉपी किया गया है रावण की सेना को, वो भी एक नहीं दो मूवी से, या मैं कहूँ सीरीज से। कुछ पार्ट कॉपी किए गेम ऑफ थ्रोन्स के नाइट किंग की सेना से और कुछ पार्ट कॉपी किए गए हॉबिट के विलन एजॉक से। मुझे पर्सनली रावण की सेना एजॉक की कॉपी ज्यादा लग रही थी। अरे ये तो बस सीन ही कॉपी थे। मैं ऑनलाइन मोड से पढ़े हुए इन VFX आर्टिस्ट का स्कैम दिखाता हूँ। देखो इस फ्रेम में गौर देना है ना, पहले इस कैरेक्टर को देखो और अब इस दूसरे कैरेक्टर को देखो। अब इस पहले वाले कैरेक्टर का क्लोन तुम्हें इसके ओर पास दिख जाएगा और दूसरे वाले कैरेक्टर के क्लोन भी तुम्हें इसके ओर पास दिख जाएंगे। देख लो भाई इस काम को करने में 600 करोड़ फूके हैं, कंट्रोल सी दबा के कंट्रोल वी दबाने में 600 करोड़ लग जाते हैं। भाई यार बहुत महंगी पढ़ाई होगी आजकल की। इसके अलावा प्रवास ने खुद को ही कॉपी कर मारा। स्टार्टिंग में ही जब उस पानी से निकलकर उन राक्षसों पे तीर चलाता है तो वो बिल्कुल कॉपी था बाहुबली के इस सीन से। हाँ याद आया एक और सीन है जहाँ पर प्रवास पेड़ के ऊपर कूद के जा रहा होता है, वो भी बिल्कुल कॉपी है बाहुबली के इस सीन से। मुझे तो लग रहा है इन्हें शूटिंग भी नहीं की है, इधर उधर से सीन उठाए और एडिट कर दिए बस। यार ऐसे थोड़ी ना होता है, क्योंकि एक और सीन है जहाँ पर प्रवास पेड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है आदि पुरुष मूवी के अंदर, वो भी बिल्कुल सेम था बाहुबली के इस सीन से। मूवी में हर चीज तो कॉपी थी ही थी, पोस्टर भी कॉपी कर लिया। भाई ये आदि पुरुष वाला भी पोस्टर कॉपी किया हुआ है वानर सेना नाम के स्टूडियो से। उस पोस्टर में पोज से लेके धनुष तक सब कॉपी किया हुआ था। अगला सीन में कॉपी नहीं कहूंगा पर आदि पुरुष की टीम ने कोई कसर भी नहीं छोड़ी कॉपी करने में। जब हनुमान जी फ्लाई करके सीता माता के पास जा रहे होते हैं पानी के ऊपर से, तो वो पूरा का पूरा सुपरमैन के इस सीन से इंस्पायर्ड है या फिर कहूँ कॉपी है। इस सब के अलावा श्री राम का गेटअप भी उठाया हुआ है। जब तुम श्री राम के कंधे पर ये चीज लगी देखोगे तो ये चीज तुम्हें बिल्कुल कॉपी लगेगी स्पार्टस से। 600 करोड़ में ये क्रिएटिविटी दिखाई है कॉपी पेस्ट की। फिर जब वो रावण निकल के आता है फाइट के लिए तो वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल छाप के एडिट कर दिया हो मार्वल की मूवी थॉर रैग्नारोक से, जहां पर वो हेला आ रही होती है तो तुम्हें एस्गार्ड और रावण की लंका
बिल्कुल सेम दिखेगी। फिर वो सीन जहाँ पर बाली एंट्री लेता है वो सीन कुछ कुछ इंस्पायर्ड है टेम्पल रन गेम से और बाकी का बाकी पूरा कॉपी किया हुआ है जंगल बुक से, वही जंगल बुक जिसमें मोगली ने चड्डी पहन के फूल खिलाया था। और हाँ, वो बाली की एंट्री भी आयरन मैन 3 से उठाई हुई है। फिर वो मूवी की वानर सेना वो तो 2 मूवीज से कॉपी की गई है, एक तो प्लेनेट ऑफ एप से जिसमें वानरों का पूरा लुक कॉपी किया गया है, और एक सीन है जो कि पूरा का पूरा एज इट इज उठा के छाप दिया है लेजेंड ऑफ टार्जन से। हाँ, थोड़े से अफेक्ट चेंज किए गए जो कि कोई भी नॉर्मल एडिटर कर लेगा भाई अपने फोन से। नेक्स्ट वो था जब इंद्रजीत हनुमान जी की पूछ में आग लगा के नीचे फेंक देता है तो हनुमान जी गिरते गिरते अचानक से फ्लैट ले जाते हैं, जो कि बिल्कुल उठाया हुआ सीन है एवेंजर्स के आयरन मैन का। जब आयरन मैन एवेंजर्स टावर से गिर रहा होता है तो वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही फ्लैट लेता है। मूवी में वो था ना मेघनाथ मतलब इंद्रजीत, वो तो इन्होंने फ्लैश और क्विकसिल्वर दोनों ही बना रखा है। उसके एक्शंस क्विकसिल्वर से कॉपी किए गए हैं तो उसका लुक फ्लैश से कॉपी किया गया है। इन्होंने सब कुछ कॉपी कर लिया हर एक मूवी से हर एक सीरीज से, बस एक चीज कॉपी नहीं करी, वो है रामायण की स्टोरी, जो कि बिल्कुल ही बदल के रख दी, बिल्कुल ही खत्म करके रख दी। अगर भाई तुम्हें कुछ कॉपी करना चाहिए थी तो वो थी रामायण। मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैंने गौर दिया है हर एक लाइन हर एक सीन पे, सारा का सारा बिल्कुल अपोजिट किया गया है और फील होता है कि जान के किया गया है क्या। जैसे श्री राम हमेशा खुश रहे हैं इन्होंने गुस्से में ही दिखाए थे, सीता माता इतनी सीधी थी इतनी पवित्र थी कि जिन एक्ट्रेस ने उनका रोल किया था उन्होंने आगे कोई भी ऐसी वैसी मूवीज नहीं की और हमेशा के लिए एक संस्कारी औरत बन के रही। लेकिन ये कृति सेनन अगले दिन ही बिकनी में घूमेगी और ये सीता बनी है। और डायलॉग्स देखो, रावण से कैसे बोलती है, ये कैसा प्रेम है रावण, मुझे कोई ऐसी चीज दो जो कुछ दिन चले, मतलब सीरियसली ये सीता माता की लाइन्स हैं, सीरियसली। भाई मैंने कहा ना सब कुछ अपोजिट बनाया गया है, राम सेतु की स्टोरी बिल्कुल बदल के रख दी, पुष्पक विमान की स्टोरी अलग कर दी, सबसे बुरा वो माता सबरी वाला लगा, वो कितने दिल को छू जाने वाली स्टोरी थी इन्होंने उसको भी बदल के रख दिया। भाई इतने चेंजेस तो जब ही किए जाते हैं जब आपका मकसद कुछ और ही हो। रिसर्च करके स्क्रिप्ट लिखने में काफी समय लगा है, फिर उसको रिकॉर्ड किया, उसका थंबनेल बनाया, फिर फाइनली मोबाइल पर वीडियो को एडिट करके फिनिश किया। तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि आदिपुरुष के मेकर्स ने ये सब जानबूझ के किए इतने चेंजेस या फिर उनसे गलती हुई है। ऐसी थ्योरीज और हिडन डिटेल्स पर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, टाटा बाय बाय।